नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक बधाइयाँ। और इसी के साथ हम कहानी के प्रसंग के बारे में बात करते हैं। तो कहानी विधा, जो गद्य की एक विधा है, इस विधा के बारे में जब आप चर्चा करते हैं, इस विधा के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो आपको प्रेमचंद जी का गल्प साहित्य याद आता है। कहानी जो है एक उस बिंदु से शुरू होती है, प्रेमचंद को आधार बिंदु मानकर। प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियाँ, प्रेमचंद जी के बाद के युग की कहानियाँ, प्रेमचंद और प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान जो है आपको कहानी में दिखाई देता है। बहुत सारी अन्य जो आधुनिक कहानियाँ हैं वो हमारे मनोवैज्ञानिक आधार बिंदु पर भी हमें दिखाई देती हैं। तो कहानियों का अध्ययन, आपको कहेंगे संपूर्ण अध्ययन करने के लिए विभिन्न कहानियों के बारे में जानना होता है। चलिए, कहानी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे यहाँ पर एक कहानी से संबंधित प्रश्न पूछती हूँ, क्योंकि कहानियों का अध्याय हमारी कक्षा का मुख्य बिंदु है, जो अभी इन दिनों हम मैराथन की क्लासेस में चला रहे हैं 4:30 PM। तो हिंदी कहानी जिससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न हम अपनी कक्षा में कर रहे हैं, उसी से संबंधित अगर आपसे प्रश्न मैं पूछूं, तो प्रेमचंद जो युग है, तो उसमें आप क्या प्रसाद जी को मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? तो ये प्रश्न है मेरा कि प्रसाद जी को आप प्रेमचंद जी के पूर्व युग में रखेंगे या प्रेमचंद जी के बाद के युग में। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है मुझे, और 14 April 4:30 PM मिलना है। और वहाँ पर हम विभिन्न कहानियों के स्वरूपों की चर्चा करते हुए बहुत सारे कहानीकारों और उनके रचनाकारों की बात करेंगे। तो मिलना ना भूले आप मुझसे 14 February 4:30 PM। तो याद रहिएगा, बिल्कुल जुड़िएगा 4:30 PM। थैंक यू।